और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट में पूछो, उससे पहले मैं ही सामने से बता देता हूँ, मैं नीचे बैठ के इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दो प्लेसेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वीडियो अच्छे नहीं आए, आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यही सबसे बेस्ट प्लेस है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि टाइटल देख के कि अभी इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में सजेशन कौन देता है, बट समझ लो आप जैसे लॉकडाउन में हो, वैसे भी मैं भी लॉकडाउन में हूँ, मैं कहीं बाहर जाके आपके लिए व्लॉग नहीं बना सकता, तो सोचा कि क्यों ना जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मॉरिशस ट्रिप में, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में जो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अपनी जब फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करें तो आपको ये सब चीज़ें पहले से बताऊं। और इस वीडियो में मैं आपको जो जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, वो लिख के लेना गाइस, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और जो जो प्रॉब्लम्स मुझे हुए हैं वो सब मैंने ओवरकम किए हैं, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हो वो एकदम स्मूथ जाए। मैंने इस वीडियो को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो जो 5 कैटेगरीज है वो आपका हर एक इशू या फिर हर एक जो आपका स्टेप होता है इंटरनेशनल ट्रिप में उसको आपकी हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है पासपोर्ट, वीजा एंड टिकट्स। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पहले वीडियो यहीं बंद कर दो, पासपोर्ट निकालो, फिर हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट वैलिड है या नहीं है वो चेक कीजिए, मतलब कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कि मॉरिशस का मेरा एग्जाम्पल दूँ तो मॉरिशस में मेरी रिटर्न टिकट थी 18th of March की और मेरा पासपोर्ट अराउंड 20 या 22nd June को वो तो एक्सपायर हो रहा था, मतलब मेरे रिटर्न टिकट से 3 या 4 महीने बाद मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। और अकॉर्डिंग टू मॉरिशियस लॉ आपका पासपोर्ट लगभग 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता। सो इसी रीज़न से मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया ताकि वो जब मेरी रिटर्न टिकट हो उससे 6 महीने तक वो एक्सपायर ना हो। सो आप मेक श्योर कीजिए कि जो कंट्री आप विजिट कर रहे हैं वहाँ पे पासपोर्ट का क्या रूल है, वहाँ पे पासपोर्ट मिनिमम जो मैंने सुना है वो 3 महीने तक का आपको वैलिड होना चाहिए। लेट्स आपकी रिटर्न टिकट है वो 1 मई की है तो 1 मई से 3 महीने तक जो होता है वो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगेन ये रूल है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो कंट्री ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे कौन सा रूल है और वो चेक करके अकॉर्डिंग टू आप टिकट बुक करवाएं। तो अब जो दूसरी बात है वो है वीज़ा की। वीज़ा के भी 3 टाइप होते हैं, काफ़ी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, जैसे कि मॉरिशस है, जैसे हम वहाँ पे उतरे वहीं से हमें वीज़ा की प्रोसेस करके वहीं हमें वीज़ा मिलता है। दूसरा टाइप का जो वीज़ा होता है वो ये होता है कि आपको इंडिया से लेके जाना है, जैसे कि UK या US है, वो उसका वीज़ा आपको यहीं से अप्लाई करके वीज़ा आपका अप्रूव हो उसके बाद ही आप जा सकते हो। और तीसरी टाइप ये है कि वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि कोई कोई कंट्री है वहाँ पे इंडियन सिर्फ टिकट लेके जा सकते हैं, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो कंट्री पे आप देख लो कि वीज़ा की ज़रूरत है, ऑन अराइवल वीज़ा है या फिर पहले से ही बुक करना है या फिर वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर बात करें टिकट्स की तो आप 1.5 to 2 months के पहले टिकट बुक करवा सकते हो। टिकट आप अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग एयरलाइंस को कंपेयर करके भी बुक करा सकते हो जो आपके बजट में पड़ रही है। और हम जब मॉरिशस गए थे तो वहाँ से हमारे पास रिटर्न टिकट मांगा गया था और रिटर्न टिकट देने के बाद ही हमें ऑन अराइवल वीज़ा मिला था। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो कंट्री ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे ऐसा कोई रूल है, रिटर्न टिकट लेके जा सकते हो या फिर वहाँ जाके रिटर्न टिकट बुक करा सकते हो, जो भी रूल हो आप वहाँ पे देख के जाए। तो अब करते हैं दूसरी कैटेगरी की बात, जो है एयरलाइंस एंड लगेज। एयरलाइंस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन के प्राइजेज है वो वेबसाइट पे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको सस्ती पड़ रही है जो आपके बजट में है वो एयरलाइन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बट फिर भी वो एयरलाइंस आपका जो दिन है जब लेट्स आप थर्सडे या फिर फ्राइडे ट्रैवल करें तो वो एयरलाइंस थर्सडे या फ्राइडे को ऑपरेट करती है नहीं वो भी चेक करना पड़ता है आपको। और उसके साथ ही वो एयरलाइंस है वो लेओवर कहीं पे है, डायरेक्ट फ्लाइट है या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट है, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है वो आपका लगेज है वो कितने केजी तक अलाउड है, जो आपकी हैंड कैरी है उसमें कितने केजी तक अलाउड है, उस हिसाब से आपको पूरा सामान जो है आपका पैक करना है। और जो सबसे ज़रूरी बात जो हमारे साथ हुई थी, तो हमारे साथ ये पंगा हुआ कि हमारी फ्लाइट जो अहमदाबाद से मुंबई की फ्लाइट थी उसमें 15 kg वेट ही अलाउड था, जबकि मॉरिशस वाली जो फ्लाइट थी उसमें 35 kg था, तो हमें 20 kg का लॉस हुआ, विच इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि हमारा जो सामान था वो हमें उस हिसाब से पैक करना पड़ा कि यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जब हम आए या फिर जाए मुंबई से तो हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना देना पड़े और वही सामान हम लोग मॉरिशस आराम से लेके जा सके। उसके साथ आप ये भी जान ले कि आपका जो लगेज है और हैंड कैरी उसमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है ले जाना और कौन कौन सी चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपके सिक्योरिटी के चेक पर बहुत काम लगेगी। अगर वो चीज़ें जो अलाउड नहीं है आपको फ्लाइट में वो लेके जा रहे हो तो आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से जा रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो दूसरी फ्लाइट है उसका जो वेट है वो आपको पता चले कि ओके इसमें भी 35 या 30 kg अलाउड है जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट में अलाउड है, बाकी वहाँ पे भी पंगा हो सकता है। और हो सके तो आप लोग वेब चेक इन कर लीजिए, उससे क्या है कि आपका एयरपोर्ट पे टाइम से हो
हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो सीट आपको मिल सकती है। उससे क्या होगा कि अगर लेट्स से आपके साथ कोई ओल्ड पर्सन ट्रैवल कर रहा है या फिर आपके साथ बच्चा ट्रैवल कर रहा है और आपको आइल सीट या फिर आपको विंडो सीट चाहिए तो वेब चेक इन से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऑलवेज गो फॉर द वेब चेक इन। तो चलिए अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो है होटल्स एंड आपकी आइटनरी। आप इंडिया में बैठे बैठे यहीं से होटल्स बुक कर सकते हो, जैसे कि booking.com है, यात्रा है, मेक माई ट्रिप है, तो वो अच्छा भी रहेगा और ऑन अराइवल वीजा में भी आपको हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ कि जब आप वहाँ पर लैंड करो तो आपको होटल ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी यहीं से बुकिंग हो चुका है। और होटल सिलेक्ट करते वक्त जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी वो ये है कि होटल जो आपकी आइटनरी है उस दिन की या वो दो तीन दिन की उसके आसपास ही हो, ताकि आपको ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा ना करना पड़े और ट्रांसपोर्टेशन अगर आप वहाँ का लोकल यूज़ करते हो तो वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो। दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ऑनलाइन होटल बुक करते टाइम आप टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली रीड कर ले, क्योंकि उसमें काफी बार ऐसा लिखा होता है कि आप जो बुक कर रहे हो उसको टैक्स अलग से लगेगा। जैसे कि मालदीव्स में ऐसा होता है, मालदीव्स में काफी रेस्टोरेंट काफी होटल्स ऐसी है जहां पे आप लोग अगर रूम बुक करवाते हो तो वहां पे जाके आपको टैक्स अलग से देना पड़ता है और वो टैक्स ऑलमोस्ट आपकी जो होटल बुकिंग्स की अमाउंट होती है उसके बराबर ही होता है। उसके साथ ही आप होटल वालों से वो अपनी टिकट्स शेयर कर दीजिए ताकि वो आपका पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ है वो करवा सके। मोस्ट प्रोबेबली सभी होटल्स प्रोवाइड करते हैं पिकअप एंड ड्रॉप अप, पर होगा कि अगर आपने आपकी टिकट्स शेयर नहीं किया, आपका टाइमिंग शेयर नहीं किया, तो फिर वो किसी और टाइम पे लेने पहुंच जाएगा। उससे अच्छा है कि आप बोल दीजिए कि सुबह अगर आप 8 बजे पहुंच रहे हैं तो आपको होटल से 8:30 बजे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे कोई ना कोई बंदा पहुंच जाए। उसके साथ अगर आप एक बजट ट्रिप पे जा रहे हो या फिर आप सिंगल हो या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग आपकी जो कंट्री है वहाँ पे डॉर्मेटरीज या फिर हॉस्टल भी सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही चीप ऑप्शंस मिलते हैं रहने के लिए और काफ़ी पैसा आप सेव कर सकते हो। अगर आपको हॉस्टल डॉर्मेटरी या फिर होटल में नहीं रहना है तो आप एयरबीएनबी का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो हॉस्ट है उसके रिव्यूज़ एंड रेटिंग अच्छे हो और जो प्रॉपर्टी है वो कहीं रिमोट एरिया में ना हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास हो, ताकि आपको आने जाने में बहुत आसानी रहे। तो अब करते हैं फोर्थ कैटेगरी की बात जो है वेदर और टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नोट करके रखें कि जिस भी कंट्री में आप जिस भी मंथ में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का वेदर कैसा है। मतलब लेट्स से हमारी बात करें तो हम लोगों ने मॉरिशस मार्च में ट्रैवल किया था। मार्च में वहाँ पे विंटर होता है, मतलब विंटर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, पर फिर भी वहाँ पे टाइफून था और बारिश हुई थी। हम लोग कुछ प्रिपेयर करके नहीं गए थे, फॉर्चुनेटली हमें वहाँ से छतरी मिल गई, सो हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया। आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा 3 दिन जब हम एक्टिविटीज़ करने के लिए बाहर गए वो तीनों दिन बहुत ही बारिश हुई थी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जिस मंथ में ट्रैवल करें जिस भी कंट्री में वहाँ का वेदर कैसा है और वेदर के अकॉर्डिंग ही आप पूरा अपना लगेज और वो जो चीज़ है वो तैयार करके रखें। और अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो वहाँ पे आप लोग लोकल ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जिस भी कंट्री में जा रहे हैं। सिर्फ मेक श्योर कीजिए कि होटल या फिर आपका जो प्लेस है जहाँ पे आप रुके हुए हैं वहाँ से आपको जहाँ पे जाना है वहाँ से अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, या फिर आप लोग हैं वो प्राइवेट कार या बाइक भी रेंट कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका लाइसेंस है वो वहाँ पे वैलिड है या नहीं। मॉरिशस में मैंने पूछा था, इंडियन लाइसेंस है वो वैलिड है तो मैं वहाँ से कार या बाइक रेंट कर सकता हूँ। बट अगर किसी कंट्री में लेट्स आप यूरोप में जा रहे हो या फिर यूएस में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, तो वो आप यहाँ से पहले से निकाल के लेके जा सकते हैं। अब हमारी फिफ्थ एंड फाइनल कैटेगरी है वो है मनी एंड अदर मिसलेनियस थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है आपके इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान। करेंसी कन्वर्ट करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप बिलीव नहीं करेंगे करेंसी कन्वर्ट करना मैं भूल गया था। जब मैं मॉरिशस एयरपोर्ट पे लैंड किया तब मुझे पता चला कि अभी मेरे पास सिर्फ इंडियन रुपीस है, ना ही मेरे पास डॉलर है और ना ही मॉरिशियन रुपीस है, और मॉरिशस में आइदर मॉरिशस रुपीस और डॉलर दो ही चलते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप जिस कंट्री में ट्रैवल करें वहाँ की करेंसी आप आइदर इंडिया से कन्वर्ट करा के जाए, एयरपोर्ट पे कन्वर्ट हो सके तो मत कराइए क्योंकि वहाँ पे आपको रेट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और अगर आपको करवाना है तो फिर यहाँ से आप डॉलर लेके जाए और डॉलर लेके किसी भी कंट्रीज में करवाए, क्योंकि मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि इंडियन रुपीज़ के अलावा आपको डॉलर्स में जो सामने वाली करेंसी उसके काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे 5000 इंडियन रुपीज़ के सिर्फ 1400 मॉरिशियन रुपीज़ मिले, और अगर सेम अमाउंट में डॉलर में से ट्रांसफर करा था तो कम से कम मुझे 1800 मॉरिशियन रुपीज़ मिलते। इसके साथ साथ आपका जो फोटो आईडी प्रूफ है जैसे कि लाइसेंस है आपका या फिर आधार कार्ड है वो आपका कैरी कीजिए, उसके साथ साथ उनकी 2 या 3 फोटोकॉपीज कैरी कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको काम लगती है। अगर इंटरनेशनल सिम कार्ड की बात करें तो हमने हमारी मॉरिशस ट्रिप में इंटरनेशनल सिम कार्ड नहीं लिया था क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग वाईफाई पे चला सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरनेशनल सिम कार्ड चाहिए तो आइदर आपका जो एग्जिस्टिंग यहाँ का जो ऑपरेटर है वहाँ से आप इंटरनेशनल सिम कार्ड या इंटरनेशनल रोमिंग करवा सकते हैं, आइदर आप जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे जाके भी आप इंटरनेशनल सिम कार्ड ले सकते हैं। जस्ट गूगल कर लीजिए कि जो कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे आप इंटरनेशनल सिम कार्ड कैसे ले सकते हो। अभी का सीन ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको काफी सारी जगहों पे फ्री वाईफाई, जैसे कि कैफेज है या रेस्टोरेंट है या फिर कोई होटल है उसमें आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। तो मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं लगी इंटरनेशनल सिम कार्ड लेने की या फिर यहाँ से मेरे जो सिम कार्ड है उसमें इंटरनेशनल रोमिंग करवाने की, बट अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ले सकते हैं।
तो चलिए बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की। आप जिस होटल में रुक रहे हो या फिर जिस प्लेस में रुक रहे हो उसका नंबर, उसके ऑनर का नंबर, या फिर आपके साथ कोई और बंदा है जो इंडियन है या फिर वहीं का है उसका नंबर लेके आप इंडिया की आपकी जो फैमिली या फ्रेंड्स है उसमें वो पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी के काम में वो कॉन्टैक्ट नंबर बहुत काम आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा करेंसी कन्वर्ट नहीं करानी है तो आप फॉरेक्स कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी ट्रिप पे नियो का फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया था और बिलीव मी गाइस, मैंने कम से कम 18,000 या 20,000 रुपये मेरी ट्रिप पे टोटल सेव किए हो गए सिर्फ करेंसी एक्सचेंज में। तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में नियो कार्ड की, आप वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं नियो कार्ड के लिए। बेस्ट फॉरेक्स कार्ड है और कोई भी सरप्लस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें नहीं है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि 2.5 to 3 hours पहले आप एयरपोर्ट पहुँच जाए, क्योंकि चेक इन काउंटर्स होते हैं वो 45 to 60 मिनट पहले डिपार्चर के पहले क्लोज हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको ट्रैवल करने को नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाए ताकि सब प्रोसेस आराम से हो और आपकी ट्रिप एकदम ऑसम रहे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। और जब कमेंट करने आप नीचे जाए तब ऑल्सो हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में जब नेक्स्ट ब्लॉग आए तब आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन अवर next video. Have a great day.